हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, कई अज्ञात को भी इसमें शामिल किया है, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, लेकिन हत्याकांड के करीब 48 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, वो हथियारों तक नहीं पहुंच पाई। उधर सोमवार की शाम को शहर के शमशान घाट में काफी गमगीन माहौल में और हजारों की भीड़ के बीच में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि इससे पहले धरना प्रदर्शन और राजनीति सब कुछ हुई और सीबीआई जांच तक की बात कही गई। इस हमले में मारे गए नफे सिंह राठी केस में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाई प्रोफाइल केस में डॉक्टरों के बोर्ड ने नफे सिंह के शरीर का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नफे सिंह के शरीर को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि बदमाशों ने बेरहमी के साथ उन पर कई राउंड फायरिंग की थी, जिसमें उनके शरीर में डॉक्टरों को 11 गोलियां मिली हैं। जी हां, 11 गोलियां उनके शरीर में मिली हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर किसी भी हाल में, यानी वो नफरत से इतना भरे हुए थे कि नफे सिंह को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। पुलिस अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। 5 टीमों का गठन किया गया है, कई टीमों में अभी भी छापेमारी और तलाश जारी है। वहीं एसपी अर्पित जैन का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें पक्के सबूत उनके हाथ लगे। इसके साथ ही नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी और उनके बेटे जितेंद्र राठी को भी पुलिस सुरक्षा देने की बात कह रही है। क्या कुछ कहा है अर्पित जैन ने, सुनिए। देखिए, पुलिस प्रशासन का यही है कि हमारी टीमें लगी हुई है और जिसका भी इसमें संदिग्ध रोल आता है या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सीसीटीवी की जो बात सामने आई थी, लगातार 5 टीमें भी बनाई गई हैं, तो कहां तक जा, उस पर कार्य चल रहा है और अभी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो जैसे आगे वर्कआउट होता है, ट्रेस आउट होता है, वो आपको बताया जाएगा उस विषय में। जिस तरह एक हफ्ते का समय दिया गया है, तो घटना क्या है, एक हफ्ते में इसको सुलझा लिया जाए? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि इसको बिल्कुल शीघ्र जो है सुलझाया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनको सजा दिलवाई जाए ज्यादा से ज्यादा। सर, चेहरे पहचाने गए क्या अभी तक, क्योंकि खुले आम तरीके से उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया? देखिए, अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें, तो ये सब बातें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ और आगे जैसे भी वर्कआउट होगा तो वो आपको बता दूंगा। गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी पूछताछ चल रही है कई लोगों से, तो जो भी संदिग्ध है उनसे पूछताछ चल रही है। दूसरे जिले में भी गई है हमारी टीमें? हाँ, हमारी टीमें जहाँ पे भी जो भी डाउट आ रहा है, जहाँ जरूरत है वहाँ जा रही हैं। किसी गैंग का काम लग रहा है सर? अभी मैं फिर इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस फिलहाल जिस जगह हमला हुआ उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक कर चुकी है और बहुत बारीकी से उन्हें देख रही है, हर एक हरकत पर नजर रख रही है। पुलिस बकायदा सर्विलांस से लेकर के तमाम अपने खुफिया और अपने मुखबिरों को भी लगा चुकी है। पुलिस ने चालक राकेश सिंह उर्फ संजय के बयान के आधार पर नरेश कौशिक, जो कि पूर्व विधायक हैं, रमेश राठी, कर्मवीर राठी, कमल राठी, सतीश राठी, गौरव राहुल समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि सीबीआई जांच की जो बात सामने आई है ये भी पेंडिंग है। गौरतलब है कि कर्मवीर राठी के साथ पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी का जमीन का विवाद चल रहा था। कुछ महीने पहले ही कर्मवीर राठी के पुत्र कमल राठी के साथ यूपी पुलिस की ओर से एक FIR दर्ज की गई थी और गिरफ्तारी के दौरान नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। पूर्व मंत्री मांगे राम राठी के बेटे जगदीश राठी नंबरदार की आत्महत्या के मामले में भी बाप बेटे का नाम FIR में आया था। उनके बेटे जितेंद्र राठी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और तमाम दुश्मनियां जमीन को लेकर के राजनीतिक तौर पर भी उनके ऊपर चल रही थी और उनके ऊपर तमाम दुश्मनों की नजर भी थी। अब देखना है पुलिस इस बड़े हाई प्रोफाइल मामले का कब तक खुलासा करती है, क्योंकि इस नफे सिंह हत्याकांड की वजह से इस साल हरियाणा में जो चुनाव होने में उसमें भी सबकी नजर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।